नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पेरोल क्या होता है और बेल और पेरोल में क्या फर्क होता है, पेरोल में क्या आपके अधिकार होते हैं और कितना आपको पेरोल मिल सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों यह समझने की आवश्यकता है कि पेरोल होता क्या है। यह पेरोल जो होता है वह एक कैदी का अधिकार होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो कि सजा याफ्ता नहीं है, यानी कि वह आरोपी है अभी तक, यानी किसी कोर्ट ने उसको सजा नहीं दिया है, तो वह फिर भी गिरफ्तार होता है और जेल में बंद होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर वह बाहर रहेगा तो वह किसी भी प्रकार का अपराध कर सकता है या जांच को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति बेल के लिए कोर्ट में आवेदन करते हैं। लेकिन जिसको सजा हो चुका है और सजा होने के बाद से वह अपनी सजा काट रहे हैं और सजा हायर कोर्ट से हो गया है, एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है या किसी और कोर्ट से भी हो चुका है और बेल के सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति पेरोल की मांग कोर्ट से कर सकते हैं। अनेक निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सजा काट रहे हैं साल में, उन्हें कम से कम 2 हफ्ते का पेरोल मिलना ही चाहिए। उसमें देखा जाता है कि जो कैदी जेल के अंदर बंद है उसका आचरण जेल में किस प्रकार से है, वह किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। यह भी देखा गया है कि यदि कोई कृषि करने वाला या किसान अगर जेल में बंद है तो उसे हम कुछ ज्यादा छूट दे सकते हैं पेरोल में, या किसी ने बहुत लंबा अपना सजा काट लिया है, कुछ समय बचा हुआ है, तो उसमें भी हम ज्यादा अवधि के लिए पेरोल दे सकते हैं। अगर कोई मेडिकल ग्राउंड है तो मेडिकल ग्राउंड के अनुसार भी पेरोल दे सकते हैं। तो पेरोल का मतलब होता है कि सजा के दौरान आपको कुछ समय के लिए कुछ छूट मिल जाती है कि आप जेल से बाहर जा सकें और नॉर्मल लाइफ को बिता सकें, परंतु कुछ शर्तें भी है। यदि कोई कैदी पेरोल के दौरान जेल से बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर के शराब पी रहे हैं या नशा कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के दूसरे इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं, तो उनको माना जाएगा कि आगे से पेरोल नहीं दिया जा सकता है और उन्होंने पेरोल के शर्तों का उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, पेरोल पर गए हुए कैदी के लिए यह भी जरूरी होता है कि स्थानीय थाने में जाकर के वो प्रत्येक दिन वहां पर एक अटेंडेंस लगाए, अपनी हाजिरी दे। तो पेरोल से जुड़े यह कुछ नियम थे जो काफी इंपॉर्टेंट होता है एक कैदी के लिए, जो अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनके दुख और सुख में शामिल होने के लिए कोर्ट से पेरोल की मांग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।